सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। ये लाइव क्लास की वीडियो है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे एक कलीग है, मैं सॉरी स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उनके पास एक डेटा है, जो है आप डेटा दिख रहा है, उन्होंने इस डेटा के ऊपर एक पिवट टेबल बनाया। सिंपल सा इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपके रियल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, मतलब कि आपके ऑफिशियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये एक तरह से मन ग्रंथ एग्जाम्पल नहीं है, एक लाइव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स हमने बना दिया कि डिपार्टमेंट सैलरी का टोटल, बोनस, ओवरटाइम, एक तरह से रिपोर्ट हमारी जनरेट हो गई है और मंथ को हमने फिल्टर पे दे दिया। अब क्या है कि यहां पे क्या करना होता है मुझे कि यहां पे मैं मंथ को सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने जैन को सेलेक्ट करके ओके किया, रिपोर्ट तैयार हो जाती है। फिर इसको मैं जाके प्रिंट करता हूं, फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है ऑटोमेटिकली जो है जब भी मैं चेंज करूं अपना फिल्टर, ये प्रिंट ऑटोमेटिक हो जाए। मतलब कि बार बार मुझे प्रिंट करके प्रिंट में क्लिक करना ना पड़े, ऑटोमेटिकली मेरा प्रिंट हो जाए, राइट। तो हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और गया व्यू कोड में और यहां इंसर्ट माफ कीजिए, मॉड्यूल्स पर जाना नहीं है ना हमें, हमें तो इवेंट करना है। तो यहां पे वर्कशीट और यहां पे मैंने हमने पिवट टेबल यहां पे आप कहता होगा आप वैल्यू चेंज डिस्ट्रिक्ट, इसे पिवट टेबल अपडेट ले लेता हूं मैं, या चेंज साइक्नोज होगा, आई थिंक यही होगा, मैं जो चेंज कर दूंगा बाद में देखता हूं। और इसमें हम देता हूं कि शीट टू डॉट प्रिंट प्रिंट आउट। और भी चीजें हैं कि भाई प्रिंट आउट में क्या करना है क्या नहीं करेगा। अब क्या होगा देखिए, अब जैसे मैं यहां से चेंज करता हूं अपना डेटा, मैं यहां पे फैब लेता हूं, फैब को ओके करता हूं, प्रिंटिंग आ गया। तो बेसिकली अब मेरे सिस्टम में प्रिंटर सेट नहीं है तो ये पीडीएफ में प्रिंट कर रहा है। यहां पे पूरी की पूरी पीडीएफ बनानी हो ये चीजें कर सकते हैं। तो हमने छोटा सा इसमें कोड रन किया प्रिंट आउट, ये कब का वर्क कर रहा है, ये हमारे इवेंट पे वर्क कर रहा है। या फिर कल के डेट में अगर ऐसा हुआ कि भाई इसके अंदर जितने भी है ऑटोमेटिकली सबको सिलेक्ट करे और प्रिंट करे, तो इसके लिए तो फिर आपको लूप वगैरह चलाना पड़ेगा और वन बाई वन पिवट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बस इवेंट माइक्रो का चीजें बता रहा था कि इवेंट माइक्रो का यूज क्या होता है। इसके बारे में डिटेलिंग में हम आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे, जब हमारी कोर्स आगे बढ़ेगी, कोर्स कंसेप्ट कोड कंसेप्ट होगा उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे।